नमस्कार भाइयों। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है 16744 ट्रैक्टर की वीडियो है। आज इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो मल्टी स्पीड पीटी हो, इसका काम क्या हो, क्यों दी जाए, रोटावेटर में काम आवे हो या नहीं आती, और आवे तो कहाँ आवे। पहले तो बता दूं भाइयों, जो मल्टी स्पीड पीटी है इसकी स्वराज की, वो सिर्फ गियर में काम करे, मतलब जोन सा गियर लगेगा, जैसे पहला गियर लगेगा तो 540 चक्कर बनेंगे इसके, और दूसरा गियर लगेगा तो 750 चक्कर हो जाएंगे पीटीओ के। तो भाई, जब 750 चक्कर हो जाएंगे और 16-19 की गाड़ी, तो फिर ट्रैक्टर पर चल नहीं पाती हो। मैं चला कर दिखाऊंगा कि कितना अंतर है जब 540 में चले, जब 740 में चले। जब 740 में चलेगी तो दूसरा गियर लगाना पड़ेगा इसका। कोई भी ट्रैक्टर हो जिसमें मल्टी स्पीड पीटी हो, वो दूसरे गियर में चक्कर बांधेंगे, पहले में तो 540 निकाल लेगा वो, टायर के साथ ही चलेगी, मतलब सिंगल क्लच हो जा, फिर वो डबल क्लच नहीं करती। तो भाई, वीडियो में बने रहे, मैं चला कर दिखाता हूँ अभी। भाई मानो जो इसकी है मल्टी स्पीड पीटी, रोटर के मतलब ये तो है नहीं, वो बहुत ही कम काम आवा है। जैसे मशीन है लान काटने की या कट रहे, उसमें गुज्जा लग जा तो पीछे को जो रिवर्स पीटीओ है या ज़्यादा चक्कर बनाने, मतलब गुज्जा निकालना, तो उसमें तो काम आ जा, बाकी वैसे नहीं आती। तो अब देखियो भाइयों कितना अंतर है जो 540 चक्कर है और 740 में। तो भाइयों, ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं। भाई मैं पहले की चाल दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है जी। ये देखो पीछे को लगता है इसका गियर लग गया। देखो भाइयों, 1500 चक्कर हो गए, 1500 चाल लगता है। बहुत बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चल रहा जो था 540 जो सिंपल की थी वो चल रहा है। तो भाइयों ठीक है, अपना वीडियो को लाइक करो, देखो मुझे लोग।